चलते भाई सीधा मेट्रो स्टेशन। गाइस पपट हो गया हमारे साथ, दे देता हूँ। वेलकम टू आगरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आपने पिछला व्लॉग तो देख लिया होगा कि भाई हम आए थे भाई बुआ जी घर पे, वो भी भिवानी से दिल्ली, और हम जाना था भाई आगरा। तो अभी हम भाई रेडी हो चुके हैं, सारे नाके धोके सारे रेडी हो चुके हैं। हमारी अब एक बजे की रेल थी, अब 2 घंटे भाई ट्रेन लेट हो चुकी है, तो अब 2 बजे ट्रेन हमारी। तो क्यों जा रहे हैं, तो आपने हमारा पहले वालों लोगों देखा होगा, हम हैदराबाद गए थे। पापा के दोस्त हैं जो एयरफोर्स के भाई, सारे इकट्ठे होते हैं, तो उनका फिर से भाई मिलना है अभी आगरा। तो आगरा घूमेंगे सारे मिलके, सारे फ्रेंड आएंगे एयरफोर्स के। तो चलो अभी पापा अपना अपना भाई बैग लेके आते हैं, पापा भी ले आए, और हमारा ये रहा भाई बैग। ओके, ये रख दिया भाई बैग, और अब चलते हैं सीधा मेट्रो। मेट्रो से फिर हमारी नई दिल्ली से है भाई अपनी ट्रेन। क्या लैपटॉप यहाँ पे है भाई? चलो अभी चलते हैं भाई सीधा मेट्रो स्टेशन। ये आ रहे भाई सारे, ठीक है चलो चलते हैं। अगर वो देख बस फाइनली भाई अभी हम पहुंच गए हैं भाई आदर्श नगर के मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ से भाई अब न्यू दिल्ली की मेट्रो पकड़ते हैं, वहाँ से हमारी रेल है। चलो तो बस फाइनली भाई पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और आगे आगे मम्मी पापा चल रहे हैं, और अभी चलते हैं भाई अपने प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे जाके अपनी भाई ट्रेन आएगी, देखते हैं किस टाइम तक आती है। पर 2 घंटे ट्रेन लेट है, अभी चलते हैं ऊपर। यहाँ से ऊपर चढ़ना में इतनी दिक्कतों के बाद फाइनली पहुंच गए। यार चलती को नहीं, मोए 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 मोए, उठा लो ये इसको। गाइस पपट हो गया हमारे साथ, ये देख लो हमें ये बैग उठा के लेके आना पड़ रहा है, ये पीछे आने लग रहे, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। ये देखो बंद पड़ी है। चलो का अब आ गए ऊपर, आ गए पापा। आजो आजो, अब यहाँ पर चेकिंग होगी, चलो चेकिंग करवाते हैं अपने बैग की, फिर चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। बस फाइनली पहुंच गए भाई अपने प्लेटफॉर्म पे, अभी यहाँ पर भाई रेल आने वाली है अपनी, देखते हैं किस टाइम आती है। ये तो भाई खाली इंजन खड़ा है इधर, और अभी पापा के भी भाई फ्रेंड आने वाले हैं इधर, वो तो पहले पहुंच गए थे, तो अभी मिलते हैं उनसे भी। पिछली बार भी हैदराबाद गए तब आए थे, जो वही आएंगे इधर भी। चलो मिलते हैं, और फिर अपनी ट्रेन का भी वेट करते हैं भाई, देखते हैं किस टाइम तक आती है भाई। फाइनली भाई मिल चुके हैं भाई अपने पापा के भाई फ्रेंड सारे एयरपोर्ट के, अब ट्रेन आने वाली है हमारी, और ये बैठे सारे दोनों साथी मिल चुके हैं। ये देख लो गाइस, अभी दो और आएगा, एक अंबाला से आएंगे, एक अंकल साथ में ट्रेन में ही है, वो भी वो आएंगे साथ में, और फिर वहाँ पे आगरा मिलेंगे, सारे मिलके घूमेंगे वहाँ पे फिर। तो गाइस ये आ रही भाई अपनी ट्रेन, और अभी भाई बस 2 घंटे की सफर बस अपना, और इन डब्बों में अपना सीट अंदर जाके दिखाता हूँ। ये बैठी भाई मम्मी, ये आंटी बैठी, ये मम्मी बैठी, ये पापा रहे। तो अभी बैठते भाई अपनी अंदर से एक और बुकी में अपनी सीट, यहाँ से नई दिल्ली से निकल पड़ी अपनी गाड़ी, ठीक है।
अब चलते हैं भाई यहाँ से सीधा आगरा। बाय बाय नई दिल्ली को बाय बाय बोलते हैं अब यहाँ से, अब मिलते हैं सीधा आगरा। ठीक है भाई, रास्ते में खड़ी है और अभी तक ये ट्रेन है जो हमारी ये अभी पहुंची नहीं है मथुरा भी, बस देखते हैं किस टाइम पहुंचेगी। इस टाइम पहुंच जानी चाहिए थी, 4:05 पहुंचने का टाइम था, 5 बज चुके हैं अभी तक मथुरा भी नहीं पहुंची। देखते हैं भाई अब किस टाइम पहुंचनी है, और ऊपर से अंधेरा भी होने वाला है, अब शाम हो चुकी है। ये देखो कोई ना इंसान इंसान की जात कोई नहीं भाई। ये भाई अभी बस चलने वाली है यहाँ से, ये चल पड़ी। अब भाई देखते हैं, मिलते हैं अब सीधा मथुरा। ठीक है चलो गाइस चलते हैं भाई मथुरा, फिर घूमेंगे भाई मथुरा भी जाएंगे, पहले आगरा फिर जाएंगे फिर भाई मथुरा। ठीक है चलो। तो वैसे अभी 1 घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक भाई ट्रेन यहाँ से हिली नहीं है। एक और यहाँ पर पता नहीं कौन सा स्टेशन है भाई, यहाँ पर आके रुक चुकी है ट्रेन। 1 घंटा हो चुका है, अंधेरा होने वाला है अभी। और हमारी भाई 3 बोगियों में है, ये अभी है S5 में, फिर है S4 में, फिर S1 और 2। भाई 4 बोगियों में सीट है, सारे अलग अलग बैठे हैं, तो पता नहीं किसने भाई रिजर्वेशन करवाई है गाड़ी की। 1 बोगी में भी नहीं है भाई ये, ताकि मिल के बैठ जाए। एक बोगी में 2 हैं और बाकी सारे में अलग अलग है। तो देखते हैं भाई किस टाइम यहाँ से ट्रेन चलती है, और फिर चलते भाई सीधा भाई मथुरा भी नहीं पहुँची अभी तो मथुरा, फिर देखते भाई अंदर तो ही जाएगा, और आगे फिर जाएंगे सीधा भाई आर्मी के जहाँ पर रूम बुक है आर्मी वालों का ही है, वहाँ पर जाएंगे। देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है भाई आगे जाके, तब तक भाई वेट करते हैं, देर होने वाला है, चलो करते हैं वेट। तो गाइस फाइनली भाई आगरा स्टेशन पहुँच गए हैं, और वो भी किस टाइम 8:30 पहुँचे हैं। वो आगे पापा और अंकल मम्मी भी और आंटी भाई वो आ रहे हैं उधर से, तो ये आ गए। वेलकम टू आगरा, आ रहे हैं वो। किस साइड चलना है? अब किस साइड आपने मेरा है, किस साइड चलोगे? हम तो उधर खड़े हैं। वो बोल रहा है। चलो इस साइड आ जाओ। चलो गाइस अब चलते हैं भाई अपने रूम पे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं भाई आगरा के रेलवे स्टेशन के बाहर, कुछ ऐसा है भाई पीछे से रेलवे स्टेशन, ये देख लो इधर खड़े हैं भाई सारे। अभी हमने आना कहाँ है? और ये रहा भाई आगरा कैंट उतरे हैं अभी हम, और ये रहा भाई स्टेशन वैसा है कुछ यहाँ का। और अभी यहाँ पर भाई देखते हैं ऑटो से जाएंगे या फिर बाइक कोई लेने आएगा, देखते हैं कौन आता है कौन नहीं। और फिर चलते भाई सीधा अपने आर्मी गेस्ट हाउस जहाँ पर हम रुकेंगे, और कैसा रूम मिलता है भाई है। आपको जाके दिखाऊँगा, टूर दूंगा अपने रूम का भी, चलो करते हैं वेट अभी। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं भाई अपने गेस्ट हाउस में, तो ये पूरा भाई आर्मी का गेस्ट हाउस है जो पीछे है, जो सारा भाई आर्मी का है। तो अभी इस ब्लॉग को मैं ही प्रिंट कर रहा हूं, तो अपना जो भी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि हमारा रूम कौन सा मिला है, कैसा रूम मिला है, और कहाँ जाने वाले कल वो आपको कल पता चल जाएगा। तो अब जाएंगे भाई बस सीधा खाना खाने, तो चलो एंड करते हैं वीडियो को। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय।